फ्रांस की दिग्गज वाहन निर्माता कंपनी रेनो अपनी पहली इलेक्ट्रिक एसयूवी मेगन ई टेक को लॉन्च किया करने की तैयारी में जुटी है। कंपनी ने लॉन्चिंग से पहले अपनी इलेक्ट्रिक एसयूवी के प्रोडक्शन वर्जन की पहली झलक दिखाई है। रेनो ने अपनी इस फुल इलेक्ट्रिक कॉम्पैक्ट एसयूवी कार मेगन ई टेक के कॉन्सेप्ट को पिछले साल के आखिरी में पहली बार पेश किया था। अब कंपनी ने अपनी आने वाली इस इलेक्ट्रिक एसयूवी की टीजर तस्वीरें जारी की हैं। रेनो ने अपनी पहली इलेक्ट्रिक एसयूवी मेगन ई टेक को डिजिटल इवेंट के जरिए प्रदर्शित किया है। इस दौरान आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में रेनो ने कहा कि मेगन ई टेक उनका पहला इलेक्ट्रिक वाहन होगा जिससे अगले साल की शुरुआत में लॉन्च करने की तैयारी चल रही है। फ्रांसीसी ऑटो दिग्गज ने वर्ष 2025 तक 24 नए मॉडल लॉन्च करने का लक्ष्य तय किया। कार निर्माता द्वारा जारी की गई पहली टीजर तस्वीर में मॉडल का नाम और टेल लाइट्स की झलक दिखाई गई है। यह इस एसयूवी के प्री प्रोडक्शन वर्जन के जैसा है। कार के रियर में कार के नाम की बैजिंग के साथ एक गोल्डन ई भी दिया गया है। इसमें सेंटर में रेनो के नए लोगों को भी दिखाया गया है। इसके अलावा कार के चारों ओर एलईडी लाइट की स्ट्रिप दी गई है जो इसके लुक को काफ़ी आकर्षक बना देता है। इसके बैटरी स्पीड और रेंज की बात करें तो रेनो मेगन ई टेक में एक इलेक्ट्रिक मोटर मिलने की संभावना है जो लगभग 217 HP का पावर और 300 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है। रेनो का दावा है कि यह 8 सेकंड से भी कम समय में 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार पकड़ सकता है। इस कार में 60 किलोवाट और का बैटरी मिलेगा। कंपनी के मुताबिक बैटरी एक बार फुल चार्ज होने के बाद यह कार लगभग 450 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है। इस एसयूवी में गूगल आधारित इंफोमेन सिस्टम भी है। मेगन ई टेक इलेक्ट्रिक एसयूवी के अंदर डैशबोर्ड और फीचर कैसे होंगे इसके बारे में रेनो ने डायरेक्टर डाइल्स विडान ने जानकारी दी। एसयूवी में डिजिटल इंस्ट्रूमेंटेशन और सेंटर कंसोल के बीच एक निरंतरता बनाते हुए इसे एल आकार की स्क्रीन मिलेगी। मेगन ई टेक रेनो की पहली कार होगी जिसमें गूगल सर्विस पर आधारित एक नया इंफोटेनमेंट सिस्टम। मेगन ई टेक रेनो की पहली गाड़ी होगी जिसे नए CMF EV प्लेटफॉर्म पर तैयार किया जा रहा है। यह वही प्लेटफॉर्म है जिस पर निसान आरिया बनाई गई है। इस प्लेटफॉर्म को रेनो निसान मित्सुबिशी ने मिलकर अपनी आने वाली सभी नई इलेक्ट्रिक कारों के लिए विकसित किया था। ऐसा माना जा रहा है कि रेनो अपनी इस नई एसयूवी कार को फॉक्सवैगन ID4 की टक्कर में उतारी है। रेनो मेगन ई टेक के साइज की बात करें तो कंपनी की एक अन्य एसयूवी कैप्टर के जितनी ही बड़ी होने की संभावना है जो कि 4 मीटर से थोड़ी ज़्यादा लंबी है।